हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल से आई एक बड़ी खबर के साथ। सिलीगुड़ी कमिश्नरेट ने 7 दिसंबर को कन्या अभियान में हुई हिंसा के लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए। तो 3 बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कन्या अभियान के दौरान जो हिंसा हुई थी, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। सिलीगुड़ी कमिश्नरेट ने यह कार्रवाई दोनों नेताओं पर FIR दर्ज कर की है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कुंतल, एक तरफ तो बीजेपी पुलिस को जिम्मेदार, प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है जिस तरीके से फायरिंग हुई और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई, और उसके बाद अब ये FIR दर्ज खुद बीजेपी के नेताओं के खिलाफ की जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। देखिए, आपका जो आवाज है ठीक से सुनाई नहीं दे रही है मुझे यहाँ। तो आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी में हिंसा उकसाने के आरोप में दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के जो टॉप के जो नेता हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है सिलीगुड़ी में। यह है वहां से अपडेट, और यहां का अपडेट बता दूं, जेपी नड्डा कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्लाइट में थोड़ा यहाँ कोहरे की वजह से डीले है, लैंडिंग में डीले की वजह से जो उनको 12:15 को बाहर निकलना था वो अब थोड़ा बहुत डिले होगा। और यहाँ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के उत्साह है पूरे एयरपोर्ट में, और चारों तरफ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, आप वो तस्वीर देख सकते हैं एयरपोर्ट में। और धीरे धीरे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एयरपोर्ट के 3C गेट से जेपी नड्डा निकलेंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत देरी है क्योंकि कोहरे की वजह से दिल्ली से यहाँ उड़ान जी थोड़ी देर बाद लैंड करेगी, समय पर लैंड नहीं कर रही है, और एयरपोर्ट में इतना आवाज है मतलब ठीक से। ठीक है कुंतल, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। धुंध की वजह से नड्डा को कोलकाता पहुंचने में करीब आधे घंटे की देरी हो सकती है, लेकिन बीजेपी समर्थक सुबह से ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी ने अभी हमें जानकारी दी कि गेट नंबर 3C से वो बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि धुंध वहां पर है कोलकाता में, इसलिए थोड़ा सा फ्लाइट लैंडिंग में डिले है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि तेलंगाना में जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं ने एक नई जान फूंकी बीजेपी में, अब वही जान बंगाल में फूंकने की तैयारी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता।